फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स लॉबी एंड ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी पौधे लगाने के शौकीन हैं, गार्डन करने के शौकीन हैं और आप सोचते हैं कि आपके यहाँ धूप नहीं आती है, हमारे यहाँ पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट्स जो बिना धूप के चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ेंगे और आपके गार्डन को नया लुक देंगे, जो आपके गार्डन को नया लुक देंगे, आपकी बालकनी को खूबसूरत बनाएंगे। ये पौधे छाया में बड़े ही खूबसूरती से चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ेंगे। इनको छाया पसंद, ऐसे पौधे जिनको छाया पसंद होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वह कौन कौन से पौधे हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट। मैं आपके साथ जो भी पौधे शेयर करूंगी वे सारे शेड लविंग प्लांट हैं, जो आपकी बालकनी को खूबसूरत बनाएगा। ये है स्नेक प्लांट। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप नहीं आती है, जिसे सेंसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। यह छाया में चलने वाला पौधा है। यह घर के बाहर जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं उन्हें सोखता है। 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इसकी 3-4 वैरायटी आती हैं। आप कोई सी भी वैरायटी जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है और कुछ ही दिनों में आपके गार्डन में 1 से 4 पौधे रेडी हो जाएंगे। इस प्लांट के साइड से बहुत सारे पप्स निकलते हैं। आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। इसको पानी में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। आउटडोर और इनडोर दोनों ही जगह बहुत अच्छे से ग्रो करता है और आपकी बालकनी को भी खूबसूरत बनाएगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एरिका पाम। यह प्लांट हर घर की पहली पसंद होता है। बहुत ही सुंदर शेड लविंग प्लांट है। बालकनी में जहाँ धूप नहीं आती है वहाँ इस प्लांट को लगा सकते हैं। यह पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, साथ ही आपके गार्डन को भी खूबसूरत लुक देगा, तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है। जब आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये इसकी लटकी हुई लताएं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसको बहुत बड़ा गमला देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी 2 वैरायटी आती हैं। यह एक पिंक शेड में आता है और एक ग्रीन कलर में। टर्टल वाइन कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और आपके बालकनी की भी खूबसूरती को बढ़ा देगा। नेक्स्ट प्लांट है फर्न प्लांट। फर्न प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसको भी धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, साथ ही आपके बालकनी में ग्रीनरी ऐड करता है, जो कि आंखों को बहुत ही सुख देता है। हैंगिंग बास्केट में और आप इसको नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको ऐसे स्थान पर रखें जहां ब्राइट सनलाइट आती है। बात करें इसके सॉइल की तो इसकी सॉइल में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। बहुत ही लो मेंटेन और हार्डी प्लांट है, तो आप इस प्लांट को अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना। ड्रेसिना प्लांट को भी दिन भर की ब्राइट लाइट चाहिए होती है। यह भी छाया में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। यह पौधा आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा, साथ ही आपको फूलों की कमी नहीं होने देगा। ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है। आप किसी भी वैरायटी को अपनी पसंद से ला कर लगा सकते हैं और अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। इसको कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। यह भी छाया में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगने वाला प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है बंडिंजू का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। फूलों की कमी आपके गार्डन में नहीं होने देगा और शेड लविंग प्लांट है। कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपके गार्डन की, आपके बालकनी गार्डन की भी खूबसूरती को बढ़ा देगा। ये है कोलियस का प्लांट। छाया में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत लीफ वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को भी धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि आप इस प्लांट को धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं।
बहुत सारे कलर वैरायटी में आता है यह प्लांट। देखिए यह कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। और अगर आप इसको अपने बालकनी गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होने देगा। तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए और अपने बालकनी गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाइए। बहुत ही लो मेंटेन प्लांट है। प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं यदि धूप नहीं आती है। सीड लविंग प्लांट है। कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं यदि आपके गार्डन में जगह नहीं। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का प्लांट। यह भी एक खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों में अजवाइन की स्मेल आती है। ये बिना धूप के चलने वाला पौधा होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। मैंने भी कटिंग से ही रेडी किया है और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। लो मेंटेन। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दिया करें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।